ये है दिल्ली दर्पण। एक मन हो के बोलो सारे पूरा डला के जान, जय जय वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज वाल्मीकि समाज पूरे दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, पूरे विश्व का वाल्मीकि समाज आज खुशी की लहर में झूम रहा है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। 22 जनवरी का इंतजार हम सबको है, ये दूसरी दिवाली होगी, पूरा जश्न पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली राम में हो चुकी है। लेकिन एक बहुत विशेष उत्साह इस बार वाल्मीकि समाज में है। वजह, अयोध्या का जो अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन है, यानी जो हवाई अड्डा है, उसका नाम भगवान वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। वाल्मीकि समाज इसको बहुत खुश है इस खबर के बाद से, और आभार व्यक्त कर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस वक्त हम मंगोलपुरी इलाके में खड़े हैं वाल्मीकि मंदिर में, जहाँ पर वाल्मीकि समाज एक बहुत बड़े भव्य अभिनंदन समारोह की तैयारी कर रहा, और साथ साथ जो 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम का मंदिर जनता को समर्पित होगा, उद्घाटन होगा, उसकी और विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के, यहां से चुनाव लड़ चुके हैं करम सिंह कर्मा, और युवा नेता हैं राहुल। कर्मा जी, क्या कितनी खुशी का मौका इस बार, ये बहुत हवाई अड्डा जो नाम पर रखा गया है अयोध्या धाम में, जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा है, उससे पूरा समाज गौरवान्वित है, और सब पूरा वाल्मीकि समाज, पूरे देश का, पूरे विश्व का वाल्मीकि समाज मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता है। और पूरे समाज में खुशी की लहर है कि जिस समाज को जो मान और सम्मान मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ही ऐसी शख्सियत है जो गारंटी देते हैं, वो काम करते हैं। कितना उत्साह इस बार 22 जनवरी को, क्या खास कार्यक्रम वाल्मीकि मंदिरों में किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? वाल्मीकि मंदिरों में नहीं, सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं पूरे भारतवर्ष में, सभी में सफाई अभियान चला हुआ है, स्वच्छता का अभियान चला हुआ है, और हर मंदिर में दिए भी जलाए जाएंगे और हर मंदिर को सजाया जाएगा। यह पर्व हम दिवाली की तरह मनाने जा रहे हैं 22 तारीख को। तो बहुत खुश होगा इस बात का, मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सम्मान आप इसको मानते हैं? ये बहुत बड़ी सम्मान जो मोदी जी ने पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो श्री राम मंदिर का, जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो अयोध्या में होने जा रहा है, उससे पूरे विश्व में खुशी की लहर है। हर कोई मान चुका है कि मोदी एक शख्सियत है, हर कोई मान चुका है कि आने वाला भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। माना जाता था कि जो वाल्मीकि समाज है, खासकर बीजेपी से उतना जुड़ नहीं पा रहा था जितना, और अब क्या कुछ धारणा बदलेगी, सम्मान मिला है जो? एक्चुअली क्या है कि वाल्मीकि भगवान के जो अनुयायी हैं, वाल्मीकि समाज, तो श्री राम अगर आज जो रामायण लिखी है तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, राम में वाल्मीकि समाज है, और वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा और जुड़ रहा है, और पहले से ज़्यादा अब एक तरफा बीजेपी के साथ वाल्मीकि समाज जाएगा। चलिए देखिए कितना उत्साह है वाल्मीकि समाज में, साफ तौर पर आप देख सकते हैं वाल्मीकि समाज मंदिर, जो वाल्मीकि मंदिर है मंगोलपुरी में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पे कुछ ही देर बाद आने वाले हैं, और आपने देखा कि जो भी यहाँ नेता आ रहे हैं वाल्मीकि भगवान को अपनी सुमन अर्पित करके जा रहे हैं, पूजा अर्चना के बाद वो समारोह की तरफ जा रहे हैं, और भी कुछ नेताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।